साल पूरा होने जा रहा है लेकिन किसानों के चने का भुगतान अभी तक नहीं हुआ। किसान इसके लिए दर दर की ठोकरे खा रहा है और इसी के चलते आज तहसील दिवस की जनसुनवाई में आकर डीएम को ज्ञापन भी दिया है। किसानों का आरोप है कि उनका भारी भरकम मात्रा में पैसा पड़ा हुआ है चना बेच का। उन्होंने ये सोचकर चना बेचा था कि सरकारी केंद्रों में दाम अच्छा मिलता है और समय से मिलता है, लेकिन उसका उल्टा ही हुआ। अभी तक वो पैसे के लिए भटक रहे हैं और अगर विभाग में जाते हैं तो उनको ये कहकर टाल दिया जाता है कि अभी जांच चल रही है और वो इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो भला ऐसे में किसान क्या करेगा और कहाँ जाएगा। इसलिए वो चाहते हैं कि उनका पैसा जल्द से जल्द मिले, नहीं तो वो आमरण अनशन करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो कोर्ट भी जाएंगे। मैंने 5 मई को चना बेचा था, आज तक हमारा सभी किसानों का भुगतान नहीं हुआ। हम परेशान हैं, एसडीएम साहब, डीएम साहब, कमिश्नर साहब हर जगह हुए आए, आज तक हमारा कोई सुनाई नहीं हुई। डीएम साहब से कह रहे हैं तो कह रहे हैं कि हम 19 क्विंटल बेचा था। कितना पैसा पड़ा हुआ है? 92,000। क्यों नहीं मिल रहा? कारण क्या है पैसा ना मिलने? अब सरकार की ये कह रहे हैं कि जाँचें चल रही हैं, जाँचें करीब 2 महीने पहले हो गए, जांचें पूरी होकर लखनऊ चली गई, आज तक लखनऊ से भुगतान नहीं आ रहा। पीसीयू नारायणी में बेचा था। ईंच है, खाद है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, हम कैसे करवाएं? किसान के कोई दूसरा चारा है नहीं, यही एक चारा है और ये भी चारा ख़त्म हो गया तो हम कैसे ये भरण पोषण कर सकते हैं? हम तो इस प्रकार कोई किसान केंद्रों में तो कोई जाएगा ही नहीं, बल्कि हम लोग तो और रोकेंगे भैया वहाँ ना जाइए, लूट घसूट का काम है। शासन भी जो है इसमें इस न्याय में सक्षम नहीं है, न्याय दिलाने में अब बिल्कुल नहीं है। आइंदा से हम लोग तो जाएंगे और अगर इसमें जो है न्याय नहीं मिलता तो हम इसमें जो है अब आमरण अनशन में बैठने वाले हैं कुछ ही दिनों के अंदर। लगभग 180 किसान हैं जिनका आज तक अप्रैल और मई में सैकड़ों किसान माल बेचा था चना, आज तक उनका भुगतान नहीं हुआ। क्या कारण रहा भुगतान न होने का? कारण एफडीएम नारायणी को जांच मिली थी, ये जांच के बहाने कम से कम 1 साल तो इन्होंने, वो 2 महीना तो इन्होंने टाला, फिर यहाँ से डीएम कमिश्नर साहब की जांच लगी तो वहाँ उन्होंने टाला। अब सभी लोग कह रहे हैं कि हम शासन को जांच करके भेज दिए, अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। किस चीज़ की जांच है? चना, चना की मानक से अधिक बेचा है भाई, मानक से अधिक किसान तो जानते नहीं हैं। किसान लेके आया खरीद केंद्र में तो केंद्र भारी बताए कि मानक से अधिक आपके इतना हो रहा है, तो किसान लेके आए उन्होंने तौलाया, आप कह रहे हैं कि मानक से अधिक है। भाई मानक तो केंद्र भारी जाए ना, जो मानक से अधिक हो रहा था उस समय लौटा देना चाहिए। आज सारे किसान फंसे हैं, गुहार मार रहे हैं, कोई सुनता फाती नहीं। कितना पैसा पड़ा हुआ है? हमारा पड़ा हुआ है 30,569 रुपये। एक किसान की दिनचर्या क्या होती है? कृषि कार्य से ही सारा काम अगर करता है तो अगर उसका भी पैसा नहीं मिल पा रहा तो कैसे करेगा? तो उस वो और मजबूर हो जाएगा, फांसी लगा लेगा। जब तक कुछ उसका चारा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो बताइए क्या करेगा? तो ये समस्या है किसान के पास। आमरण अनशन में बैठ जाएगा किसान तो फिर देखिएगा शासन क्या बोलती है। क्या सोच के आपने बेचा था सरकारी केंद्र? ये सोच के बेचा था कि जल्दी पैसा आ जाएगा, ये सरकार का काम है, सरकार का पीसीओ है, अच्छी उचित दाम मिल रहा है, इस कारण से हमने बेचा था। तो क्या लगता है कि आपको प्राइवेट सही था या? हमें अब ऐसा लगता है कि अब तो ये बेकार है, सरकार है बेकार है, क्योंकि पैसा नहीं दे रही। इससे अच्छा है कि हम अगले उसमें मंडी में बेचते, ये ऐसा लग रहा है। और यदि भुगतान नहीं हो रहा है, भुगतान तो होगा, कोर्ट का सहारा लेंगे, यदि भुगतान नहीं होगा तो देखिएगा जितने भी पीसी होंगे सब बंद होंगे, कोई भी सरकार नहीं खरीदेगी, कोई जाएगा नहीं उनके पास, खरीद लेगी सरकार जितना खरीदना हो उसको। मुझे थोड़ी जानकारी चाहिए थी कि जिन किसानों ने पीसीयू नरेनी में चना बेचा था अभी तक भुगतान नहीं हुआ, क्या कारण है उसका? वो जांच होकर लखनऊ चले गए जी, वहीं से इसका निर्णय होना। किस चीज की जांच गई है, क्या दिक्कतें पाई गई थी? जांच ही है, जांच में मानव से अधिक पहले पाए गए तो जांच हो रही है।
जी, इसलिए उसमें 72 घंटे का लागू नहीं होता, जहाँ निष्ठा हो जाती है। जी जी जी, देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल को समर्थन करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, हमारी वेबसाइट पर सदस्य बनें। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।